स्वागत है माँ के हाथ के स्वाद में। आज कोई हम नई सी डिश बनाएंगे। सब्जी तो बहुत खाई है आपने मिक्स वेज की। आज मिक्स वेज परांठा बनाऊंगा। ये गाजर दो, ये फूल गोभी है, कद्दूकस करिए हम धोकर साफ करते, ये इकट्ठे कर लेते हैं। एक जगह गाजर भी कर लिया हमने, गोभी भी कर ली, फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी है, ये बीन्स है 2-3 चम्मच, आधा कटोरी करिए, ये शिमला मिर्च है, ये मैंने काट लिए बारीक बारीक करके, आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो उसको हटा सकते हो आप, और जो पसंद है आप और बढ़ा भी सकते हो। ये ऑयल है, आप घी भी ले सकते हो तलने के लिए। ये हरा धनिया है, और हरा धनिया डालते हैं, ये आधा इंच टुकड़ा अदरक का है, दो हरी मिर्च है, धोकर साफ करके बारीक कर काट लिए है, और ये कद्दूकस कर लिया है, अदरक आप पेस्ट भी ले सकते हो इसकी जगह पर। ये हमारे मसाले हैं, नमक है, धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधी पिंच वो आधी चम्मच हल्दी है, 1 पिंच हींग है, गरम मसाला है, अमचूर है, जीरा पाउडर भुना हुआ और पिसा हुआ, ये सारे मसाले डाल लेते हैं। मिला लेते हैं मसाला डालने के बाद हमारा जो वेजिटेबल है सब्जी है हमारा पानी छोड़ेंगे, तो इसके लिए हम पानी हम नहीं छोड़ेंगे नहीं इसका, इसके अंदर हम मिलाएंगे, या तो भुना हुआ बेसन मिला सकते हो, आटा मिला सकते हो, कोई पराठा हम सेकेंगे तो नेचुरली सिक जाएगा ऊपर, धीमे आँच पर सेकना पराठा तो अंदर तक तो कुक हो जाता है सारा, कच्चा नहीं रहता आटा हमारा, और वेजिटेबल आराम से भर भी जाते हैं पराठे के अंदर। आप चाहो तो इसमें पनीर मिला सकते हो, आलू मिला सकते हो, मैं थोड़ा आलू मिलाऊंगी इसमें और 2-3 चम्मच आटा मिलाऊंगी। इस हमारी बाइंडिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई भरने में, परांठा फटेगा भी नहीं। परांठा हमारा बहुत हेल्दी बनेगा, आप एक बार ट्राई करें जरूर, अपने घर में बनाएं खाएं, और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं पराठा कैसा बना, तो फाइबर कैल्शियम हर चीज़ मिलेगी, हेल्दी हमारा पराठा, गाजर आँखों के लिए सही रहती है। थोड़ा आलू मिलाती हूँ मैं इसमें, उबला हुआ आलू है, कद्दूकस कर लिया है, इसके साथ पनीर भी ले सकते हो आप। मिल गया हमारा सारा सामान, हाथ धो लेते हैं। ये मेरी हरी चटनी है धनिया पुदीना की, इसके साथ सर्व करूंगा। ये साधारण दो भिगो रखा मैंने चपाती लिए, 1 चम्मच नमक डाल रखी मैं स्वाद अनुसार, और अजवाइन, और ऐसे सॉफ्ट डो घूमना चाहिए, पराठे हमारे आराम से सिकेंगे। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हो।
ऐसे बना ले रोहित। हल्का सा लेते हैं थोड़ा, हम तेल लगाएंगे इसमें ताकि परांठा हमारा अच्छे से फूले और सीख भी जाए अच्छे से। ये हमारे वेजिटेबल है, मिक्सचर हमारा मसाला जो हमने तैयार करा है, इसके ऊपर थोड़ा आटा लगाएंगे सूखा तो हमारा परांठा फटे ना। और ऐसे उठाएं चार तरफ से, ऐसे प्लेटें बना लें सील करते हुए पोट पीस बना कर। देखो पन्नी पोट की इसको हम पहले हाथ से फ्लैट कर लें ताकि हमारी जो सॉपिंग सारे चार तक भर जाए, मसाला हमारा अच्छे से फैल जाए। अब बेल लेते हैं। थोड़ा मोटे भी लगा परांठा ही, और सेकना अच्छे से तसली से। देखो चार तरफ दिखाई दे रही ना भाई, ब्राउनपुर मसाला पूरे फैल गया है, ऐसे पूरा फैलना चाहिए मसाला। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं थोड़ा मसाला ज्यादा भरती हूँ, मेरे को ज्यादा मसाले के अच्छे लगते हैं। किनारे से बेलें हल्के हाथों से और बीच में मोटा लेना थोड़ा। पलट दिया हमने, तेल लगा देते हैं। हाँ मक्खन से भी सेक सकते हो आप, देसी घी के साथ सेक सकते हो। तेज हो तब हमारा कोई बात नहीं। फिर बंद कर लेते हैं परांठा अपना, आराम से जाते कोई बात नहीं। आप बनाएं कितना बढ़िया सिकड़ा परांठा हमारा। कितना बढ़िया सिका गए वो, प्लेट निकल गई। दूसरा बना रही हूँ अभी एक और, सारे पराठे मैं ऐसे बना लूँ अपने, आप भी बनाएं ट्राई करें एक बार जरूर। बच्चे सब्जियों से भागते ये नहीं खाना बना, पराठे सारे खा लेंगे। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। परांठे
चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाओ, जो आपको पसंद है, दही के साथ भी खा सकते हो। घी तेल अपनी मर्जी से कम ज़्यादा लगा सकते हो, मेरे घर में थोड़ा कम खाते, मैं कम लगा रही हूँ। फ्रिज कोमेंट जरूर करना मेरे लिए, जैसे मैं बनाती हूँ आपको अच्छी लगती है रेसिपी मेरी। तो बहुत अच्छे बने परांठा हमारा, खोल के दिखाऊं परांठा, देखो आपको कितने अच्छी एक सार भरी भरावन, हमारी मसाला पूरा एकदम बराबर फैला हुआ है, देखो कितने सुंदर है परांठा हमारा। आप भी बनाएं ऐसे, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ आपसे। कितना बढ़िया परांठा सिखाया हमारा।